हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमने सिस्टम एक लिया है, एनी डेस्क के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे उसमें आधार सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन कैसे अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सिस्टम एनी डेस्क के माध्यम से कनेक्ट है, इसमें हम सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिखाएंगे। माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद हम डिस्क लोकल डिस्क सी में जाएंगे, यू आई डी ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया के फोल्डर में जाएंगे, आधार एनवायरनमेंट क्लाइंट को ओपन करेंगे। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर की फाइल पड़ी है इसे हम डिलीट कर देंगे। अब सीड फाइल में जाएंगे, जो हमने फाइल कॉपी की थी 152 1 की, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल मिल जाएगी, वो फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, 152 1 की फाइल पेस्ट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें एक और जो फाइल है उसको हम डालेंगे, 152 1 की। तो किसी वजह से एनडीएस हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट हो रहा है। दोबारा से कनेक्ट हो चुका है। तो जो फाइल हमने कॉपी की है उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों, हमारी दोनों फाइलें वहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। अब इस फाइल को 152 1 ही फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू क्लाइंट OTA पर क्लिक करेंगे। जब तक दोस्तों हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरीके से आगे की भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होती रहेंगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आधार संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी जाएगी। दोस्तों, हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसको ओपन करेंगे। सारी फाइलों को Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। उसके बाद आधार एनवायरनमेंट क्लाइंट पे ओके करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सारी फाइलों को जो कॉपी की थी उसे पेस्ट करेंगे। डायरेक्ट Ctrl+V करके भी पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी फाइलें पेस्ट हो रही हैं। दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, कॉपी राइट फाइल 447 ही होनी चाहिए, तभी पूरी तरीके से फाइलें कॉपी होंगी हमारी। बाकी यहाँ पर भी देखेंगे आइटम, यहाँ पे यही आना चाहिए, 421 फाइल दिखाएगा, तभी हमारी सारी फाइलें जाएंगी। रिप्लेस टू फाइल इन द डिस क्लिक कर देंगे पहले नंबर पे। हमारी दोस्तों फाइल कॉपी हो रही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को जिनका वर्जन ऑटो अपडेट नहीं हो रहा, इसी तरीके एक्सट्रैक्ट करके फाइल को अपना वर्जन अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम एक जानकारी आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो भी भाई अपना वर्जन अपडेट कर रहे हैं उससे पहले अपना आधार सॉफ्टवेयर का बैकअप बना के जरूर रखें। बिना बैकअप के कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बैकअप कैसे बनेगा उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बना देंगे, डायरेक्ट वीडियो बना देंगे कि आधार सॉफ्टवेयर का बैकअप कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों के हमारे डिस्क्रिप्शन में ही आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम आप चलते हैं अपने सर्विस को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे आधार में क्लाइंट की सर्विस है, चारों हम स्टार्ट करेंगे।
दोस्तों हमारी सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। कुछ भाइयों के में हमारा आधार ओटी क्लाइंट का सर्विस शो नहीं करती है, ओटी अपडेट क्लाइंट की, तो वो लोग परेशान ना हो जिन लोगों ने नया वर्जन इंस्टॉल किया है। तो हमारी सर्विस का नाम चेंज हो चुका है वहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है आधार ओटी अपडेट क्लाइंट का, तो वहाँ पे उस सर्विस का नाम कर दिया गया है आधार एनवायरनमेंट क्लाइंट का। दोस्तों घबराने की बात नहीं है कि आधार ओटी क्लाइंट अपडेट का हमारे पास उसमें सर्विस में शो नहीं कर रही, तो हमारा एक सर्विस कम है। हमारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन करके देखें। सॉफ्टवेयर को दोस्तों हमेशा राइट क्लिक करके ही ओपन करें। दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। दोस्तों देख लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर का वर्जन 152.1 हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों का, वो जिनका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, वो अपना ऑटो अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों अभी आप वीडियो भी बाकी है, अभी आप लोगों को फुल शो से दिखाएंगे कैसे। दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर पूरे प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों देख लीजिए 152.1 आ रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन। तो क्रेडेंशियल डाल के सॉफ्टवेयर अपने ओपन करेंगे। तो दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है।